यूपी के प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान साथी बदमाश मकसूद और जवाद के पैर में गोली लगी है। दोनों साथी बदमाशों को प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि गुजरात में हुए 2.5 करोड़ हीरा लूट के प्रयास में यह दोनों वांछित चल रहे थे। इसके अलावा प्रतापगढ़ के रखा बाजार में अधिवक्ता पुत्र हत्या समेत आधा दर्जन लूट और हत्या के मामलों में भी दोनों बदमाश वांछित चल रहे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से, जहां प्रतापगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो साथी बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। अंतर्राज्यीय सुपारी किलर है यह दोनों लुटेरे। पुलिस ने इनके पास से तमंचा और पिस्टल समेत कारतूस भी बरामद किया है और इनसे पूछताछ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद वह घायल हो गए, जिन्हें पुलिस जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराई है। यह जो मामला है वो रानीगंज थाना क्षेत्र के सचौली गांव का है, जहां मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। आरोप है कि दोनों बदमाश पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया और गिरफ्तार कर प्रतापगढ़ के जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक का। काफी सघन वहां पर चेकिंग की गई और इस दौरान बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा जब आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें दो बदमाशों को गोली लगी है और इनके नाम मकसूद और जवाद हैं। ये काफ़ी एक शातिर गैंग के सदस्य भी रहे हैं और इनके द्वारा पूर्व में जनपद में करीब 6 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। अभी कुछ दिन पूर्व रखा बाजार में जो घटना हुई, जिसमें कि 2 व्यक्तियों को गोली लगी और एक की उसमें हत्या हुई, उसमें भी ये दोनों शामिल थे। इनके 3 साथी और शामिल रहे हैं। इनके द्वारा 24 अगस्त को भरूच गुजरात में 2.5 करोड़ का डायमंड लूटने का प्रयास किया गया था, जिसमें ये 5-7 लोग थे और इनमें से 2 लोग वहां पे अरेस्ट हुए थे और ये वहां से फरार आ गए थे। अभी इनके जितने भी साथी हैं उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है। जिन जिन लोगों के द्वारा इनको पनाह दी गई है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राज्यीय वांटेड अपराधी, देखिए इनके खिलाफ दूसरे राज्यों में भी अभियोग पंजीकृत हैं, हरियाणा में भी अभियोग पंजीकृत हैं, इन पर उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात में भी अभियोग पंजीकृत हैं, मुंबई में भी इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हैं। ये एक संगठित गिरोह बनाकर लूटपाट हत्या और भाड़े पर हत्या करने का काम करते हैं। इनके खिलाफ यहाँ पर गैंगस्टर भी पंजीकृत है और लगातार इनके द्वारा घटनाएँ की जा रही थी। मुठभेड़ में कितने राउंड फायरिंग, देखिए मुठभेड़ में इनसे 1 पिस्टल, 1 तमंचा, 3 खोखा राउंड और 3 जिंदा राउंड 32 के और 315 के राउंड इनके पास से मिले हैं और इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। इसमें पुलिस टीम के द्वारा काफ़ी समझबूझ दिखाते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, परंतु किसी पुलिसकर्मी को इसमें चोट नहीं लगी।